जाहिर साथी साढ़े सात बज चुका है, जिसकी आप सभी लोगों को पता है हर साल साढ़े सात बजे धार्मिक क्लास चैनल पर लाइव क्लास होता है। तो आज भी एकदम शानदार क्वालिटी दार धमाकेदार एनर्जी दार लाइव क्लास होगा, क्योंकि आज जो हम करवाएंगे 100 से भी ज्यादा नॉन स्टॉप जीके और जीएस का मिक्स क्वेश्चन पेपर, जो आपके इंडियन आर्मी एग्जाम में पक्का पूछने का चांस है। और मैं आपको आज का टारगेट देता हूँ, कम से कम आपको 80 का सही जवाब देना है। अगर आप 80 का सही जवाब देते हो तो आपका तैयारी एकदम मस्त है, आपको इसी जोश और जुनून के साथ पढ़ना है, वीडियो को पूरा देखना है और अपना स्कोर जरूर कॉमेंट में बताना है। तो बढ़ेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन पूछा है, इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है। आप लोगों को जल्दी से बताना है कि भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय फूल जो होता है वो लोटस होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन ए बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे दो नंबर क्वेश्चन की ओर। दो नंबर क्वेश्चन पूछा है, विच द लार्जेस्ट प्लैनेट, यानी कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। आप लोगों को जल्दी से बताना है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन है। तो सबसे बड़ा ग्रह जो होता है बृहस्पति होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन बी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे तीन नंबर क्वेश्चन की ओर। तीन नंबर क्वेश्चन पूछा है, हेडक्वार्टर ऑफ आईसीसी इज लोकेटेड इन, यानी कि आईसीसी का मुख्यालय कहां पर है। आप लोगों को जल्दी से बताना है कि आईसीसी का मुख्यालय कहां पर स्थित है। तो आईसीसी का मुख्यालय जो होता है मेरे दोस्त वो दुबई में होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर बी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे चार नंबर क्वेश्चन की ओर। चार नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आज हम लोग ऑप्शन वाइज डिस्कस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 100 क्वेश्चन में अगर मैं ऑप्शन वाइज कराने लगा तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी और आज वीडियो थोड़ा फास्ट भी होगा, तो प्लीज आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो चार नंबर क्वेश्चन पूछा है, हु फाउंडेड मुगल डायनेस्टी इन इंडिया, यानी कि भारत में मुगल राजवंश की स्थापना किसने की थी। जल्दी से बताइएगा कि भारत में मुगल राजवंश की स्थापना किसने की थी। तो भारत में मुगल राजवंश की स्थापना जो किया गया था वो बाबर द्वारा किया गया था, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन बी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे पांच नंबर क्वेश्चन की ओर। पांच नंबर क्वेश्चन पूछा है, इंस्ट्रूमेंट टू मेजर एन अर्थक्वेक, यानी कि भूकंप को मापने का साधन या यंत्र बताना है। आप लोगों को भूकंप का मापने का यंत्र कौन सा है। तो भूकंप का मापने का जो यंत्र होता है वो सिस्मोग्राफ होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन सी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे छह नंबर क्वेश्चन की ओर। छह नंबर क्वेश्चन पूछा है, हु कंपोज द फेमस सॉन्ग सारे जहां से अच्छा, यानी कि प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की थी। आप लोगों को जल्दी से बताना है, क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। तो प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की जो रचना किया गया था वो मोहम्मद इकबाल द्वारा किया गया था, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे फौजी भाइयों लोग ऑप्शन बी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे सात नंबर क्वेश्चन की ओर। सात नंबर क्वेश्चन पूछा है, हाउ मेनी टाइम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन सीक्रेट इलेक्शन टू हिज पोस्ट, यानी कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद के लिए कितने बार चुनाव कर सकते हैं। आप लोगों को जल्दी से बताना है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। तो भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं वो किसी भी टाइम, यानी कि कितने भी समय तक चुनाव कर सकते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन डी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे आठ नंबर क्वेश्चन को। आठ नंबर क्वेश्चन पूछा है, पंचतंत्र हैज बीन रिटन बाय, यानी कि पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया है। आप लोगों को बताना है जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो पंचतंत्र जो लिखा गया है वो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे फौजी भाइयों लोग ऑप्शन ए बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे नौ नंबर क्वेश्चन को। नौ नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, हु अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। आप लोगों को जल्दी से बताना है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो करता है वो राष्ट्रपति करता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन ए बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा है, यंगून इज सिचुएटेड एट द बैंक ऑफ रिवर, यानी कि यंगून नदी की, मतलब कि यंगून जो है वो किस नदी के किनारे पर स्थित है। आप लोगों को बताना है, तो यंगून जो होता है वो इरावदी नदी के तट पर स्थित होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन बी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा है, चिल्ड्रन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच डे, यानी कि बाल दिवस किस दिन को मनाया जाता है। जल्दी से बताइएगा, आपके पास एग्जाम का टाइम बहुत कम है मेरे दोस्त, जल्दी से लाइव चैट में इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा कि बाल दिवस किस दिन को मनाया जाता है। तो बाल दिवस जो मनाया जाता है वो 14 नवंबर को मनाया जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन ए बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा है, कुतुब मीनार इज लोकेटेड इन, यानी कि कुतुब मीनार कहां पर स्थित है। आप लोगों को बताना है, तो कुतुब मीनार जो स्थित होता है वो दिल्ली में स्थित होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन सी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा है, लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम इज लोकेटेड इन, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम कहां पर स्थित है। आप लोगों को जल्दी से बताना है, तो लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम जो स्थित होता है वो हैदराबाद में स्थित होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन ए बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है, वेयर द फेमस गोलकुंडा फोर्ट इंस्टीट्यूट, यानी कि प्रसिद्ध गोलकुंडा किला कहां स्थापित किया गया है। आप लोगों को जल्दी से बताना है, तो प्रसिद्ध गोलकुंडा किला जो स्थापित किया गया है वो हैदराबाद में स्थापित किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन ए बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर तो देखिएगा, 15 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, वेयर इज सिलिकॉन वैली इन इंडिया, यानी कि भारत में सिलिकॉन वैली कहां पर है। आप लोगों को जल्दी से बताना है कि भारत में सिलिकॉन वैली कहां पर स्थित है। तो
तो भारत में सिलिकॉन वैली जो होता है वो बेंगलुरु में स्थित होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन डी बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 16 नंबर क्वेश्चन को। 16 नंबर क्वेश्चन पूछा है विच विटामिन कॉल्ड ब्यूटी विटामिन, यानी कि किस विटामिन को सुंदरता का विटामिन कहा जाता है। आप लोगों को जल्दी से बताना है। तो सुंदरता का विटामिन जो कहा जाता है वो विटामिन ई को कहा जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन सी बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 17 नंबर क्वेश्चन को। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा है द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम, यानी कि किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। आप लोगों को जल्दी से बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जो होता है वो पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो बढ़ेंगे 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा है एसिड रेन्स आर कॉज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ व्हिच गैसेस, यानी कि किस गैसों की उपस्थिति में अम्ल बारिश होती है। आप लोगों को जल्दी से बताना है। तो अम्ल बारिश जो होता है वो NO2 और SO2 की उपस्थिति के कारण होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन ए बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज लाफिंग गैस, यानी कि हंसाने वाली गैस क्या है। आप लोगों को जल्दी से बताना है। तो हंसाने वाली गैस जो होता है वो नाइट्रस ऑक्साइड होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन डी बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा है व्हिच लेंस इज यूज्ड इन सिंपल माइक्रोस्कोप, यानी कि सरल माइक्रोस्कोप में किस लेंस का उपयोग किया जाता है। आप लोगों को जल्दी से बताना है। तो सरल माइक्रोस्कोप में जो किया जाता है वो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन ए बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि सूर्य के प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। आप लोगों को जल्दी से बताना है। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में जो समय लगता है वो 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन पूछा है व्हिच द नेम ऑफ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी की सबसे बाहरी परत का नाम लिखिए। आप लोगों को बताना है कि पृथ्वी की सबसे बाहरी परत का नाम क्या है। तो पृथ्वी का सबसे बाहरी परत का नाम जो होता है वो क्रस्ट होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन बी बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश की गति का मान कितना होता है। आप लोगों को जल्दी से लाइव चैट में इसका आंसर बताना है। तो प्रकाश की गति का मान जो होता है वो 3×10^8 होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन सी बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन पूछा है व्हिच टाइप अलॉय यूज इन इलेक्ट्रिक बल्ब, यानी कि बिजली के बल्ब में किस प्रकार के मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। आप लोगों को जल्दी से बताना है। तो बिजली के बल्ब में जो किया जाता है वो टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन बी बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन पूछा है किस ताप पर जी का मान न्यूनतम होता है। आप लोगों को बताना है, जल्दी से बताइएगा कि किस ताप पर जी का मान न्यूनतम होता है। तो जी का मान न्यूनतम जो होता है पृथ्वी के केंद्र पर होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका एकदम राइट है। तो इसी के साथ आप लोगों का मॉक टेस्ट पेपर 1 खत्म हुआ। आप बढ़ेंगे मॉक टेस्ट पेपर 2 की ओर। तो मॉक टेस्ट पेपर का 2 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पूछा है हु आर द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे। आप लोगों को जल्दी से बताना है कि भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री जो थे वो लाल बहादुर शास्त्री थे। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा है मोहिनी अट्टम डांस इज रिलेटेड टू विच स्टेट, यानी कि मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है। आप लोगों को जल्दी से बताना है। तो मोहिनी अट्टम नृत्य जो होता है वो केरला से संबंधित होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा है हु इज नोन एज द क्वीन ऑफ डेक्कन, यानी कि क्वीन ऑफ डेक्कन के नाम से किसे जाना जाता है। आप लोगों को बताना है। तो क्वीन ऑफ डेक्कन के नाम से जाना जाता है वो पुणे को जाना जाता है। यानी कि उस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो बढ़ेंगे 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्रिटेन का संसद का नाम क्या था, यानी कि व्हाट इज द नेम ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो ब्रिटेन का संसद का नाम जो होता है वो पार्लियामेंट होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन डी बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा है काजीरंगा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट, यानी कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित होता है। आप लोगों को जल्दी से बताना है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो होता है वो असम में स्थित होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा है वेयर इज शक्ति स्थल लोकेटेड, यानी कि शक्ति स्थल कहां पर स्थित है। आप लोगों को जल्दी से बताना है। तो शक्ति स्थल जो स्थित होता है वो दिल्ली में स्थित होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है व्हिच इज द लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, यानी कि भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन होता है। आप लोगों को बताना है कि भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन होता है। तो भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो होता है वो असम होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर सी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है व्हिच रिवर इज कॉल्ड बंगाल सोर, यानी कि किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। आप लोगों को जल्दी से बताना है। तो बंगाल का शोक जो कहा
जाता है वो दामोदर नदी को कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है विच कंट्री इज आईएसआई रिलेटेड, यानी कि आईएसआई किस देश से संबंधित होता है, आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। तो आईएसआई जो होता है वो पाकिस्तान देश से संबंधित होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि भारत में सर्वप्रथम रेल कब चली थी, आप लोगों को बताना है। तो व्हेन डिड रेल फर्स्ट रन इन इंडिया, तो भारत में सर्वप्रथम रेल जब चला था वो 1853 ईस्वी में चला था, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा है हु आर द फर्स्ट वुमन आईपीएस ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी, आप लोग को जल्दी से बताना है। तो भारत की प्रथम महिला आईपीएस जो थी वो किरण बेदी थी, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे फौजी भाई लोग ऑप्शन डी बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। पूछा है कि हजारीबाग नेशनल पार्क कहां स्थित है, यानी कि वेयर इज हजारीबाग नेशनल पार्क लोकेटेड। तो हजारीबाग नेशनल पार्क जो स्थित होता है वो झारखंड राज्य में स्थित होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा है व्हेन इज यूनाइटेड नेशन डे सेलिब्रेटेड, यानी कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, आप लोगों को बताना है। तो संयुक्त राष्ट्र दिवस जो मनाया जाता है वो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है वेयर इज पंपास ग्रासलैंड फाउंड, यानी कि देखिएगा पूछा है कि पंपास का घास का मैदान जो होता है वो कहां पर पाया जाता है, आप लोगों को जल्दी से बताना है। तो पंपास घास का मैदान जो पाया जाता है वो अर्जेंटीना में पाया जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले आप सभी फौजी भाइयों लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और दोस्तों के पास जरूर शेयर करो, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। भाई आज मैं आप लोगों के लिए 100 क्वेश्चन लेकर आया हूं, तो प्लीज यार वीडियो को जरूर लाइक कर देना। तो देखिए 15 नंबर क्वेश्चन पूछा है विच इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ भूटान, यानी कि भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा होता है, आप लोगों को बताना है। तो भूटान का राष्ट्रीय खेल जो होता है वो तीरंदाजी होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो फौजी भाई लोग ऑप्शन डी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि डीपीटी का टीका बचाव करता है, आप लोगों को बताना है कि डीपीटी का टीका क्या क्या का बचाव करता है। तो डीपीटी का टीका जो होता है वो टिटनेस का बचाव करता है, काली खांसी का भी करता है और डिप्थीरिया का भी करता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि मूत्र दुर्गंध किसके कारण देता है, यानी कि व्हाट कॉज यूरिन ऑडर, यानी कि मूत्र दुर्गंध किसके कारण से देता है। तो मूत्र दुर्गंध देता है वो यूरिया के कारण देता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा है वेयर डू रेड ब्लड सेल्स फॉर्म, यानी कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहां पर होता है, आप लोगों को जल्दी से बताना है। तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण जो होता है मेरे दोस्तों वो अस्थि मज्जा में होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट गैस इज यूज्ड इन सिगरेट लाइटर, यानी कि सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, आप लोगों को बताना है। तो सिगरेट लाइटर में जो होता है वो ब्यूटेन गैस प्रयुक्त होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे फौजी भाई लोग ऑप्शन ए बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा है हु इन्वेंटेड द फाउंटेन पेन, यानी कि फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था, आप लोगों को बताना है। तो फाउंटेन पेन का आविष्कार जो किया गया था वो वाटरमैन के द्वारा किया गया था, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन ए बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि पृथ्वी पर कितना प्रतिशत ऑर्गन होता है, आप लोगों को बताना है। तो पृथ्वी पर ऑर्गन की जो मात्रा होता है वो 0.93% होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन ए बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन क्या कहलाता है, यानी कि व्हाट इज द फ्यूल यूज्ड टू ड्राइव अ रॉकेट, जल्दी से बताइएगा कि रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन क्या कहलाते हैं। तो रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन जो कहलाता है वो प्रोनोजा कहलाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन ए बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द ब्लड प्रेशर ऑफ अ हेल्दी वुमन, यानी कि एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, आप लोगों को जल्दी से बताना है। तो एक मनुष्य का मतलब एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप जो होता है वो 120/80 का होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन बी बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन पूछा है द स्टडी ऑफ फ्लावर्स इज कॉल्ड, यानी कि पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, आप लोगों को जल्दी से बताना है। तो पुष्पों का अध्ययन जो कहलाता है मेरे दोस्तों वो एंथोलॉजी कहलाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ मर्करी, यानी कि पारा का रासायनिक नाम क्या होता है, आप लोगों को जल्दी से बताना है कि पारा का रासायनिक नाम क्या होता है। तो पारा का रासायनिक नाम जो होता है मेरे दोस्त वो होता है हाइड्रोजनियम, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका
पूरा एकदम राइट है। इसी के साथ आप लोगों का मॉक टेस्ट पेपर 2 भी खत्म हुआ, बढ़ेंगे मॉक टेस्ट पेपर 3 की ओर। तो मॉक टेस्ट पेपर 3 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन पूछा है, व्हेन वाज एनसीसी एस्टैब्लिश इन इंडिया, यानी कि भारत में एनसीसी की स्थापना कब हुई थी, आप लोगों को बताना है। तो भारत में एनसीसी का स्थापना जो हुआ था 1948 में हुआ था, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा है, वेयर इज चिल्का लेक लोकेटेड, यानी कि चिल्का झील कहां स्थित है, आप लोगों को जल्दी से बताना है। तो चिल्का झील जो स्थित होता है वो उड़ीसा में स्थित होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू फोर्स, यानी कि संविधान कब लागू हुआ था, जल्दी से बताइएगा मेरे दोस्त, संविधान कब लागू हुआ था। तो संविधान जो लागू हुआ था वो 1950 में लागू हुआ था, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर सी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर देखिएगा, क्वेश्चन पूछा है कि हु इज द ऑथर ऑफ रामचरितमानस, यानी कि रामचरितमानस के लेखक कौन थे, आप लोगों को जल्दी से बताना है। तो रामचरितमानस के जो लेखक होते हैं वो तुलसीदास होते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर ए बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा है, इन विच वेदा इज द गायत्री मंत्र मेंटोनवेड, यानी कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया है, आप लोगों को बताना है जल्दी से। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख जो किया गया है वो ऋग्वेद में किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर सी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा है, विच रिवर इज कॉल्ड द मॉर्निंग ऑफ चाइना, यानी कि चीन, मतलब कि किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है, आप लोगों को जल्दी से बताना है। तो चीन का शोक जो कहा जाता है मेरे दोस्तों हांगहो नदी को कहा जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर बी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा है, वेयर इज द कैपिटल ऑफ कर्नाटका, यानी कि कर्नाटका की राजधानी कहां है, आप लोगों को जल्दी से बताना है। तो कर्नाटका की राजधानी जो होता है मेरे दोस्तों बेंगलुरु में होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर सी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा है, व्हेन इज वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेट, यानी कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, जल्दी से बताइएगा, क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। तो विश्व पृथ्वी दिवस जो मनाया जाता है मेरे दोस्तों 22 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर बी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा है, व्हिच इज द लार्जेस्ट हाईवे टू इंडिया, यानी कि भारत का सबसे बड़ा राजमार्ग कौन सा है, आप लोगों को जल्दी से बताना है कि भारत का सबसे बड़ा राजमार्ग कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा राजमार्ग जो होता है वो NH 44 होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर ए बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 10 नंबर क्वेश्चन को। 10 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले आप, मैं सभी फौजी भाइयों लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है मेरे दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना। आपके लिए कितनी मेहनत करते हैं, आपके लिए एक सप्ताह 100-100 क्वेश्चन आना है मेरे दोस्तों, तो प्लीज यार मुझे भी सपोर्ट करो, हर जगह वीडियो को शेयर करो। देखो अगर आप लोग वीडियो को शेयर करोगे तभी मेरे पास न्यू सब्सक्राइबर आएंगे मेरे दोस्तों, तो प्लीज यार वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करना। तो देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन क्रिकेट, यानी कि क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, जल्दी से बताइएगा कि क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या जो होता है वो 11 होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर सी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा है, इन विच स्टेट आर द केदारनाथ टेम्पल लोकेटेड, यानी कि केदारनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित होता है, आप लोगों को बताना है। तो केदारनाथ मंदिर जो स्थित होता है वो उत्तराखंड में स्थित होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर बी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, देवघर ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट, यानी कि देवघर ट्रॉफी किस खेल से जुड़ी है, आप लोगों को जल्दी से बताना है। तो देवघर ट्रॉफी जो होता है वो क्रिकेट से जुड़ा होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर सी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा है, इन विच सिटी इज इंडिया गेट लोकेटेड, यानी कि इंडिया गेट किस शहर में स्थित होता है, आप लोगों को जल्दी से बताना है। तो इंडिया गेट जो स्थित होता है वो दिल्ली में स्थित होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर ए बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय योजना आयोग का गठन कब हुआ था, आप लोगों को बताना है। तो भारतीय योजना आयोग का गठन जो हुआ था वो 1950 में हुआ था, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर, यानी कि वर्ष का लंबा दिन कौन सा होता है, आप लोगों को बताना है। तो वर्ष का सबसे लंबा दिन जो होता है वो 21 जून होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे फौजी भाइयों लोग ऑप्शन डी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि मनुष्य में शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, यानी कि व्हाट इज द नॉर्मल बॉडी टेंपरेचर इन ह्यूमन, जल्दी से बताइए कि मनुष्य में शरीर का सामान्य तापमान लगभग कितना होता है। तो मनुष्य में शरीर का सामान्य लगभग तापमान जो होता है 98.6 डिग्री फारेनहाइट होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन ने बताए हैं उनका एकदम राइट है। अगर सेल्सियस में दिया हो तो सेल्सियस में जो होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि मनुष्य लोहा किससे प्राप्त
करता है आप लोगों को बताना है। तो मनुष्य जो लोहा प्राप्त करता है वो पालक से करता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर बी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 18 नंबर क्वेश्चन को। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा है रिकेट्स रोग किसकी कमी के कारण होता है, आप लोगों को जल्दी से बताना है। तो रिकेट्स रोग जो होता है वो विटामिन डी की कमी के कारण होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर डी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 19 नंबर क्वेश्चन को। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द केमिकल सिग्नल ऑफ ड्राई आइस, यानी कि शुष्क बर्फ का रासायनिक संकेत क्या होता है, आप लोगों को जल्दी से बताना है। ऐसे सुपर फास्ट चलेगा मेरे दोस्त, जल्दी से बताएगा लाइव चैट में इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र जो होता है वो CO2 होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे फौजी भाइयों लोग ऑप्शन ने बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 20 नंबर क्वेश्चन को। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि सौर प्रणाली की खोज किसने की थी, यानी कि हु डिस्कवर्ड द सोलर सिस्टम, जल्दी से बताएगा। तो सौर प्रणाली की खोज जो किया गया था वो कॉपरनिकस के द्वारा किया गया था, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 21 नंबर क्वेश्चन को। 21 नंबर क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल, यानी कि लाल रक्त कण की जीवन अवधि कितनी होती है, आप लोगों को जल्दी से बताना है। तो लाल रक्त कणिकाओं का जो जीवन अवधि होता है वो 120 दिन होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर बी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 22 नंबर क्वेश्चन को। 22 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि जल में किस धातु को क्रिया करके हाइड्रोजन बनाई जा सकती है, आप लोगों को जल्दी से बताना है कि हाइड्रोजन कैन बी फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ विच मेटल इन वाटर, जल्दी से बताएगा। तो जल में जो होता है वो हम लोग सोडियम को मतलब मिलाएंगे तो हाइड्रोजन बनाई जा सकता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे फौजी भाई लोग ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 23 नंबर क्वेश्चन को। 23 नंबर क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ वॉइस, यानी कि आवाज की तीव्रता की इकाई क्या होती है, आप लोगों को जल्दी से बताना है। तो आवाज की तीव्रता की इकाई जो होता है वो डेसिबल होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर डी बताए हो उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 24 नंबर क्वेश्चन को। 24 नंबर क्वेश्चन पूछा है वेयर डज ब्लड प्योरिफिकेशन टेक प्लेस, यानी कि रक्त मतलब कि रक्त का शुद्धिकरण कहां पर होता है, आप लोगों को जल्दी से बताना है। तो रक्त का शुद्धिकरण जो होता है मेरे दोस्तों कुडनी में होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर ए बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 25 नंबर क्वेश्चन को। 25 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर क्या उत्पन्न होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर सी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 26 नंबर क्वेश्चन को। 26 नंबर क्वेश्चन पूछा है व्हाट आर द यूनिट ऑफ प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन की इकाई क्या है, आप लोगों को जल्दी से बताना है। तो प्रोटीन की इकाई जो होता है वो एमिनो एसिड होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन सी बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 27 नंबर क्वेश्चन को। 27 नंबर क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द यूनिट ऑफ फ्लेम फ्लक्स, यानी कि ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, आप लोगों को जल्दी से बताना है। तो ज्योति फ्लक्स का मात्रक जो होता है वो ल्यूमन होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 28 नंबर क्वेश्चन को। 28 नंबर क्वेश्चन पूछा है व्हिच एसिड टैमरिन, यानी कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, आप लोगों को जल्दी से बताना है। तो इमली में जो पाया जाता है वो टार्टरिक एसिड पाया जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हमारे फौजी भाइयों लोग ऑप्शन बी बता रहे हो उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 29 नंबर क्वेश्चन को। 29 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनियां क्या कहलाती है, आप लोगों को जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो मतलब देखिए शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनियों को जो कहा जाता है वो सीरा कहा जाता है। तो बढ़ेंगे 30 नंबर क्वेश्चन को। 30 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि मानव शरीर में पित्त कहां पर बनता है, यानी कि वेयर इज बाइल प्रोड्यूस इन ह्यूमन बॉडी, जल्दी से बताइए मानव शरीर में पित्त कहां पर बनता है। तो मानव शरीर में पित्त का निर्माण जो होता है वो यकृत में होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका एकदम राइट है। इसी के साथ आप लोगों का मॉक टेस्ट पेपर 3 भी खत्म हुआ, अब बढ़ेंगे मॉक टेस्ट पेपर 4 की ओर। तो मॉक टेस्ट पेपर 4 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पूछा है कि 19वां यानी कि 2022 का एशिया खेल कहां पर खेला जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, जल्दी से मेरे सभी फौजी भाइयों लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर लाइव चैट में बताइएगा। तो 19वां 2022 का एशिया खेल जो खेला जाएगा वो हांगजू में खेला जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा है हु इज कॉल्ड द आयरन मैन ऑफ इंडिया, यानी कि किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है, आप लोगों को जल्दी से बताना है। तो भारत का लौह पुरुष जो कहा जाता है वो सरदार पटेल को कहा जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वेयर इज द ग्रीन पार्क स्टेडियम लोकेटेड, यानी कि ग्रीन पार्क स्टेडियम कहां स्थित है, आप लोगों को जल्दी से बताना है। तो ग्रीन पार्क स्टेडियम जो स्थित होता है वो कानपुर में स्थित होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर ए बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा है मनिका बत्रा इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, यानी कि मनिका बत्रा किस खेल से संबंधित है, आप लोगों को जल्दी से बताना है। तो मनिका बत्रा का संबंध जो होता है वो टेबल टेनिस से होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे फौजी भाइयों लोग ऑप्शन नंबर बी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि लाल
झंडा किसका प्रतीक होता है, आप लोगों को जल्दी से बताना है। तो लाल झंडा जो होता है वो खतरे का प्रतीक होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा है व्हेन इज साइंस डे सेलिब्रेटेड, यानी कि विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, जल्दी से बताइएगा। तो विज्ञान दिवस जो मनाया जाता है वो 28 फरवरी को मनाया जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे फौजी भाइयों लोग ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज सुंदरवन फेमस फॉर, यानी कि सुंदरवन किसके लिए प्रसिद्ध है, आप लोगों को बताना है। तो सुंदरवन जो होता है वो बाघ के लिए प्रसिद्ध होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका एकदम राइट है। सुंदरवन जो होता है वो वेस्ट बंगाल में स्थित होता है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीएसएफ, यानी कि बीएसएफ का पूरा नाम क्या होता है, आप लोगों को बताना है। तो बीएसएफ का पूरा नाम जो होता है वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा है इन विच कंट्री इज द बालाकोट प्लेस लोकेटेड, यानी कि बालाकोट मतलब यह स्थान जो है वो किस देश में स्थित होता है, आप लोगों को बताना है। तो बालाकोट जो स्थित होता है वो पाकिस्तान में स्थित होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा है विच कंट्री वाज द फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड, यानी कि संसार में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी, आप लोगों को बताना है। तो संसार में सबसे पहली महिला जो थी वो श्रीलंका की थी, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा है वेयर इज द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इन इंडिया लोकेटेड, यानी कि भारत में वन अनुसंधान संस्था कहां पर स्थित होता है, आप लोगों को जल्दी से बताना है। तो भारत में वन अनुसंधान संस्था जो होता है वो देहरादून में स्थित होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन सी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है व्हेन इज हिंदी डे सेलिब्रेटेड, यानी कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, जल्दी से बताइएगा। तो हिंदी दिवस जो मनाया जाता है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर ए बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा है वेयर इज बुलंद दरवाजा लोकेटेड, यानी कि बुलंद दरवाजा कहां स्थित है, आप लोगों को जल्दी से बताना है। तो बुलंद दरवाजा जो स्थित होता है वो फतेहपुर सीकरी में स्थित होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे दोस्त लोग ऑप्शन डी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि अकादमी अवार्ड के नाम से प्रसिद्ध ऑस्कर पुरस्कार, देखिए ध्यान से, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, आप लोगों को बताना है। तो ऑस्कर पुरस्कार जो दिया जाता है वो सिनेमा में दिया जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन बी बोल रहे हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा है हु इज कॉल्ड शेक्सपियर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, जल्दी से बताइएगा। तो भारत का शेक्सपियर जो कहा जाता है वो कालिदास को कहा जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर डी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन पूछा है आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, यानी कि व्हाट इज अ सुसाइड बैग कॉल्ड। तो जल्दी से बताइए कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। तो आत्महत्या की थैली जो कहा जाता है वो लाइसोसोम को कहा जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर बी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है व्हिच इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, यानी कि लोहे का सूक्ष्म रूप क्या होता है, आप लोगों को बताना है। तो लोहे का सूक्ष्म रूप जो होता है वो पिटवा लोहा होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर सी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना मेरे दोस्त, और आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं मेरे दोस्त वीडियो को हर जगह शेयर कर देना, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को हर जगह जरूर शेयर करना। तो 18 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि टू हुम इज द सेरेब्रम लोकेटेड, मतलब रिलेटेड, यानी कि सेरेब्रम किससे संबंधित होता है, आप लोगों को बताना है। तो सेरेब्रम जो होता है वो मस्तिष्क से संबंधित होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन ए बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन दो बार रिपीट हो गया तो प्लीज आप लोग माफ कर देना, बोला है कि किस गैसों की उपस्थिति में अम्ल बारिश होती है, तो NO2 और SO2 के कारण जो होता है वो अम्ल बारिश होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन ए बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा है व्हिच इज द स्मॉलेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, यानी कि मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है, आप लोगों को बताना है। तो मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि जो होता है वो पिट्यूटरी ग्रंथि होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन ए बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन पूछा है अ डिजीज कॉल्ड एथलीट फुट इज कॉज्ड बाय, यानी कि एथलीट फुट नामक बीमारी किसके द्वारा होती है, आप लोगों को बताना है। तो एथलीट फुट नामक बीमारी जो होता है वो कवक द्वारा होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे फौजी भाइयों लोग ऑप्शन ए बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द स्टडी ऑफ सिल्क वर्म रियनिंग, यानी कि रेशम कीट पालन
पालन का अध्ययन क्या कहलाता है आप लोगों को बताना है। तो रेशम कीट पालन का अध्ययन जो कहा जाता है वो सेरीकल्चर कहलाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो बढ़ेंगे 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन पूछा है व्हिच विटामिन इज नॉट फाउंड इन मिल्क, यानी कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है। तो दूध में जो होता है वो विटामिन सी नहीं पाया जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, 24 नंबर क्वेश्चन पूछा है होम इज द पिंक रिवोल्यूशन रिलेटेड, यानी कि गुलाबी क्रांति किससे संबंधित होता है आप लोगों को बताना है। तो गुलाबी क्रांति जो होता है संबंधित होता है वो झींगा मछली उत्पादन से होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर ये आज का लास्ट क्वेश्चन पूछा है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, यानी कि व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड, जल्दी से बताइएगा। तो रक्त का पीएच मान जो होता है वो 7.4 होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका एकदम राइट है। तो इसी के साथ आप लोगों का 100 क्वेश्चन का एक मॉक टेस्ट पेपर खत्म हुआ। आप लोगों को बताना है कि आपका इस मॉक टेस्ट पेपर में कितना सही हुआ, और मैं आपको कल मिलूंगा एक शानदार सा मॉडल टेस्ट, यानी कि 50 क्वेश्चन का प्रॉपर मॉडल टेस्ट पेपर के साथ। तो अगर कल भी वीडियो देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, और वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करके दोस्तों के पास जरूर शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।